शतकोटि, 100 करोड़, यह अंक सुनने में जितना बड़ा है उसकी अहमियत भी उतनी ही अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही मोदी जी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन निर्माण की दिशा में अहम कार्य शुरू किए। दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूँ, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। वैज्ञानिकों की टास्क फोर्स और तकनीकी एक्सपर्ट्स की टीम के निरंतर परीक्षण व परिश्रम ने भारत का टीकाकरण सुनिश्चित किया। और फिर कोविड सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 900 करोड़ का पैकेज घोषित किया। इस परिश्रम के फलस्वरूप 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। टीकाकरण संबंधित जानकारी, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट की सहूलियत के लिए मोदी जी ने देश और विश्व को कोविन पोर्टल का उपहार दिया। पूरे देश में 3 लाख से अधिक टीकाकरण केंद्र कार्यरत हुए, जिसमें से 74% केंद्र ग्रामीण इलाकों में है। 29,000 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स एवं जरूरत के स्थलों पर एयरलिफ्टिंग के जरिए हर एक क्षेत्र में वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई जा रही है। साथ ही लाखों नर्स, ANM एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर हर एक क्षेत्र में टीकाकरण सुनिश्चित किया है। अन्य कई राष्ट्रों के मुकाबले हमने 100 करोड़ वैक्सीन को जिस गति से प्राप्त किया है वह किसी विक्रम से कम नहीं। 100 करोड़ वैक्सीन से लिखा इतिहास हमारे शतकोटि गर्व का एहसास है। मोदी जी के नेतृत्व का यह विश्वास है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है।